हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल आशुतोष व्लॉग्स। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के नहीं गाइस, दोपहर के 2:00। कोई नहीं गाइस, अभी बहुत टाइम है व्लॉग शूट करने के लिए, बहुत टाइम है, बहुत कुछ करना है गाइस आज। बट उससे पहले क्या करना है बता दूँ, उससे पहले करना है ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में ब्रेकफास्ट भी नहीं कह सकते, 2 बजे कौन ब्रेकफास्ट करता है, बट मेरा 2 बजे ब्रेकफास्ट हो रहा है, तो मुझे खाना है ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैंने अपने लिए स्पेशल मम्मा से बनवाया। क्या बनवाया खुद सोचो, मतलब घर में जो बना उससे अलग, घर में बनी है आलू गोभी की सब्जी, जो कि मेरे को इतनी सी भी नहीं पसंद आलू गोभी। आप सोच रहे होगे कैसा अजीब बंदा है, मतलब इसको टिंडे पसंद है बट आलू गोभी की सब्जी नहीं पसंद। गाइस अपना अपना टेस्ट होता है, ओके। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते करते मैंने घर में आज अपने स्पेशल बनवाई है मैक्रोनी। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, आपने एकदम करेक्ट सुना। आप सोचोगे सुबह सुबह कौन मैक्रोनी खाता है, पागल बंदे शाम को खाते हैं, बट गाइस मैक्रोनी तो मज़ा आया था खा के, मतलब क्या ही बताएं। चलो ज़्यादा बात ना करते करते दिन की शुरुआत कर दी, और अब खाएंगे मैक्रोनी। मैक्रोनी खाने के बाद करेंगे कुछ ना कुछ, और कुछ ना कुछ क्या करना गाइस, जैसे कि हमने देखा कल हमने साफ किए हैं फूल की मालाएं, तो भी आपको वो दिखाते हैं। दोनों उसके बाद करेंगे ब्रेकफास्ट, फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद जाएंगे स्कूल का काम करने, स्कूल का काम करने के बाद जाएंगे सो। सही सुना, स्कूल का काम करने के बाद मैं लगाऊँ सोने और उठूंगा। आपने कहा कहा कि 2 बजे रोशन करा, कितना सोएगा, सोना पड़ता गाइस, मतलब जल्दी उठाऊँ सुबह का, वो बात अलग, मैंने व्लॉग नहीं किया बट जल्दी उठाऊँ सुबह का। हाँ ठीक है, तो स्कूल का काम करने के बाद सो जाएंगे, और भाई साहब उठ के शाम को घर साफ करना है, मतलब जल्दी उठ जाएंगे, यानी कि 7 बजे उठेंगे 8 बजे उठेंगे, मतलब 3 बजे तक सो जाएंगे ना, तो 5:30 उठ के घर का काम स्टार्ट कर देंगे। किचन साफ करनी है आज मेन किचन साफ करनी है, कल फूल के मैंने साफ करी, आज किचन, फिर बेडरूम, फिर पंखे, फिर टीवी, मतलब कुछ ना कुछ साफ करते रहेंगे। तो डोंट वरी, पता लग जाएगा हमने दिवाली के समय कैसे की कैसी नहीं। तो बन रहे ब्लॉग के साथ, बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन हो गया आज हमारा। आइए गाइस आपको दिखाते हैं अपनी फूल की मालाएं, जो कि मैंने कल धो दी थी, भाई साहब धो दी थी, और क्या लग रही होंगी, मतलब मैं तो देखी सुबह की, ओ भाई साहब कतई जहर गाइस, कतई जहर, देखो गाइस देखो क्या चमक रही है फूल की माला, एकदम सूख गई है ये देखो, क्या ये वही है, अरे पों पों कौन पों कर रहा है। तो देखिए गाइस ये सूख चुकी हैं, और अब हमको मेन काम जो करना है, वो मेन काम क्या है, वो मेन काम है आज, चलिए आपको दिखाई देते हैं वो मेन काम क्या है, क्योंकि अगर वो मेन काम ना हुआ ना आज, तो दिवाली की सफाई लेट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ इस साल सारे दिवाली की सफाई मैं करूँ, सारा क्रेडिट मैं लूँ, और दिवाली पे अपनी मम्मी पापा से फुल पैसे हेटूँ कि मेरे को भाई साहब दिवाली पे चाहिए पैसे, मेरे को पैसे दो, क्योंकि पूरा घर का काम मैंने किया है। और आज हमने करना है किचन के जो ऊपर का सारा शेल्फ वगैरह है, नीचे तो मम्मा ने कर दिया था, मतलब ये सारे और नीचे इधर सारे मम्मा ने कर दिया, ऊपर का सारा करेंगे गाइस, ये सारा करेंगे हम, करेंगे गाइस हम करेंगे, हम करेंगे आशा, डोंट वरी। तो बने रहे हम लोग के साथ। गाइस अपनी मैक्रोनी है रेडी, और आपने इसका क्लोजअप देख लिया, अच्छा लगा होगा शायद, क्योंकि मैक्रोनी है ही चीज जिसका क्लोजअप, क्या जिसको खाने में मिल जाता है उसका क्लोजअप देख के तो मुंह में पानी आएगा। और आप भी मेरा व्लॉग देख के कह रहे हो मम्मी को कहते हैं मैक्रोनी खाने के लिए, तो बनवाओ गाइस मम्मी से मैक्रोनी, मैं तो बनवा ली, आप भी बनवाओ, खाते हैं। तो गाइस अभी सो के उठ चुके हैं, और सो के ओ मम्मी गई थी गाइस, मम्मी भी जा गई थी, लेट हो गए उठने में, मम्मी यहाँ देख लें, हाँ हाँ मम्मी इसका सुख है गाइस, वैसे अपने घर में लगवा लो सुख है इसका। मम्मी एक मिनट पिंच करना सपना ही है, ओ बॉय साहब, मतलब ये दिखाना गाइस देख रहे हो, हमें कब हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ। मैंने कहा भी अभी दिवाली की बहुत सारी सफाइयाँ पड़ी हुई हैं करने के लिए, ठीक है, और मुझे चाहिए एक हेल्पर, और उससे अच्छा हेल्पर कोई हो नहीं सकता, इसलिए तो कुछ भी तो करना है। मैं तो सो के उठेगा, इसे सरप्राइज मिलेगा, एक अच्छा प्यारा इसकी फेवरेट
ये है काम कराने का नया तरीका, इनको पता है हमारा फेवरेट है पिज्जा। 170 का पिज्जा खिला दो, सारी दिवाली की सफाइयां करा लो क्या। बट गाइस पिज्जा तो मिल गया ना, अभी खाते हैं फिर एंजॉय करते हैं, और अभी पहले खाएंगे फिर बाद में करेंगे काम, ठीक है। जो पीछे ऊपर बस गंदगी वो करें। अरे फोन आ गया, फोन आ गया, फोन बंद करते करो यार। चलो तो कोई ना, कैसे पिज्जा खाते हैं बाद में। फोन बहुत आते हैं रिश्तेदार, जब फ्लो करो तब फोन आते हैं, तब फ्लो करो तब फोन आते हैं। रिश्तेदारों को मना करना पड़ेगा गाइस, जब हम फ्लो करते हैं उस टाइम आप फोन मत क्या करो। चलो भाई गाइस, रिश्तेदार मेरे ब्लॉग देखते हैं, मेरे बहुत रिश्तेदार है, मेरी मासी, अरे फिर से मेरे बहुत मासियां हैं जो मेरे ब्लॉग देखती हैं, तो उनको सॉरी दिल से। चलो कोई ना, ये देख के खाते हैं। ये पिज्ज़ा देख रहे हो ना आप, ये पिज्ज़ा देख के मेरे को कैसा लग रहा है, मम्मी ने तो मेरी आंखें खोल दी। मतलब मैं सो रहा है एकदम से, फिर जब कोई आता ना घर में, अगर मैं अकेला हूँ तो मैं सबसे पहले ब्लॉग करने को उठता हूँ कि चलो यार साथ में ब्लॉग भी हो जाएगा और पता भी लग जाएगा घर में कौन है कौन नहीं। तो मैंने गेट खोला तो मम्मी के हाथ में पिज्जे का बॉक्स, मतलब मैं ऐसे था, मैं ऐसे हो गया। अभी आपने पीछे देखा होगा मैं ऐसे था, तो गाइस मम्मा आ गए तो मैं ऐसे, मतलब भाई शौक आया था बंदा कि जो पेरेंट्स मना करते हैं इतना पिज्जा, मतलब खिलाते हैं पिज्जा, ये नहीं नहीं खिलाते बट मना करते हैं कि महीने में एक दो, ज़्यादा नहीं उससे, तो ये तीसरा पिज्जा आ रहा है महीने का। मुझे गाइस मुझे तो ज़्यादा बात ना करते, घर का काम करना है, क्योंकि वो भी आगे काम बहुत है, लोग ज़्यादा नहीं करते अभी, बात भी ज़्यादा नहीं करते तो लोग ज़्यादा करते। बाय गाइस। तो गाइस अभी देखो हम कहाँ पर चढ़े हैं, हम चढ़े हैं ये देखो गाइस अपनी शेल्फ के ऊपर, वो देखो मम्मी नीचे है। हेलो, हम किचन के काफ़ी टॉप फ्लोर पे पहुंच गए, आपको टॉप फ्लोर की हालत दिखाते हैं। ज़्यादा गंदी नहीं है गाइस, कर देते हैं साफ है, ही गंदी है, मतलब दिवाली पे तो इतनी जितनी गंदगी यहाँ पे है इतनी गंदगी भी नहीं होनी चाहिए गाइस। अभी आपको थोड़ी सी दिखाते हैं कितनी गंदगी है, उसके बाद जब मैं साफ करूँगा फिर देखना गाइस। मैं साफ करनी ना मम्मी, देखो गाइस ये देखो ये है, मतलब थोड़ी थोड़ी गंदगी है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी है बट है गाइस। आगे चलते चलते दिखाते हैं आपको, ये देखो गाइस ये देखो, इसको तो हमने साफ़ करना ही नहीं, बट ये थोड़ी सी गंदगी है, थोड़ी उधर वाली साइड पे है और थोड़ी उधर सामने है, बस किस लिए है, हमको ये तो साफ करना है, और क्या करना है इतने दिन दिवाली में। हमने वो भी साफ कर दिया, ये भी साफ कर दिया, मतलब पीछे वाला, मतलब इतना साफ हो गया, ठीक है। तभी दिखाते हैं, और देखो मैं खड़ा कहाँ हूँ, अगर मैं गिरा एक आधी बोन तो क्रैक हो ही जाएगी। ओ भाई बड़ी मुश्किल से टांग लिया गया, ये देखो अभी इस पर लग जाएगा सूखा कपड़ा, बस बहुत खत्म भाई। अभी आपको इसका क्लोजर करके भी दिखाएंगे, बहुत चमकेगा। पहले का सीन देख लेना और अब का सीन देख लेना, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का दिखाते हैं चलिए। सो ये देखो गाइस अभी ऐसी हैं, अभी कुछ इस प्रकार की लग रही हैं। देखो मतलब वो जो है ना उसको हमारे चमनी का, वो इसमें नहीं आ रहा उसका स्विच पॉइंट, ये देखो इतनी चमक रही है, मतलब शीशा हो गया शीशा, देख लो गाइस देख लो, ये देखो क्या ही चमकियां हैं, मतलब मज़ा आ रहा है गाइस। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 10:30, और आप सोच रहे होंगे कभी रात के 10:30 में तो इसको देखा नहीं, और आज इसने एकदम से अचानक दर्शन दे दिए, मतलब ये कभी शाम को मिलता, सुबह मिलता और रात को मिलता, बस हमने सोचा आज थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। गाइस मैं बाहर बैठा हूँ, देखो इतनी तेज, मतलब तेज तो नहीं कह सकते बट काफ़ी मस्त हवा चल रही है, मतलब ठंडी ठंडी हवा, ऐसा लग रहा है भगवान जी ने AC लगा दिया है, मतलब ये संकेत ऐसे हैं कि सर्दियाँ आ रही हैं गाइस। तो दिवाली के बाद मेरे को लगता है आपको सर्दियों के कपड़े निकालने पड़ेंगे। क्या मस्त हवा चल रही है गाइस, क्या ही मस्त हवा चल रही है, आपको बता नहीं सकता मेरी, मतलब जो चंडीगढ़ में रह रहे होंगे इस टाइम, चंडीगढ़ में भी नहीं, मेरे को पता चंडीगढ़ में हवा चलेगी चल रही, बट इतना पता जीरकपुर वालों को तो इतना मस्त मज़ा आ रहा होगा ना, जीरकपुर डकोली जो मेरे पास रहते वगैरह हैं, मज़ा आता गाइस उनको, डकोली वाली साइड जीरकपुर हो गया, मस्त हवा चल रही, इतनी मस्त हवा चल रही क्या ही बताएं। सो अभी आपको दिखाया एरोप्लेन का व्यू, ऐसे तो गए सभी रात को 10-12 निकलते हैं, ज़्यादा निकलते होंगे इससे, ऐसे बहुत निकलते हैं यहाँ पे, तो मैं कहा चलो आपके साथ शेयर करते हैं आज।